प्रदर्शन पर पिछले कई महीनों से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज ये लोग इस समय सड़कों पर है। बिल्कुल नंगे पांव ये सरकार को एक मैसेज देने का प्रयास है कि इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा। लगातार 199 दिन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी डिमांड को सुना जाए, लेकिन आज ये दुर्दशा उतरा दी हमारी कि हम नंगे पांव जम्मू की सड़कों पर निकले हैं अपनी डिमांड मनवाने के लिए। शंख बजाए जा रहे हैं ताकि इनकी पहले आवाज कानों में आवाज पहुंच सके कि हमारी डिमांड लेजिटिमेट है, जनरल है। आप हमें ऐसे कश्मीर में, अगर आप हमें कश्मीर भेज रहे आप हमें मरवाना चाहते हैं वहाँ पे, हम ये और हत्याएं नहीं, हम सबको रोकेंगे। और बलिदान नहीं, इसे बलिदान नहीं कहा जाता, इसे एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है। आप उसको कंट्रोल करिए, आप उसे टेरर फ्री जोन दिखे, कश्मीर को पहले टेरर फ्री जोन दिखे, उसके बाद हमें ले जाओ। और अगर ले जाना है पूरी कम्युनिटी को ले जाओ, क्या एक छोटा सा मास लेके रिहेबिलिटेशन है, ये रिहेबिलिटेशन है। यहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ किराए के कमरे में बैठना रिहेबिलिटेशन बोला जाता है। कर देता हूँ हमारी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, इसे आप रिहेबिलिटेशन करते हो। हमें उम्मीद थी पूरी आप हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्या किया आपने, हमें सड़कों में खड़ा कर दिया आपने। आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है हमारे सारे, नंगे पांव चलने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है। ये उस गुंडी बैगी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो ये एम्प्लॉई पीड़ा से गुजर रहा है, इस पीड़ा और दर्द को आप समझिए। आप देखिए ये एम्प्लॉई पिछले 200 दिनों से क्या मांग कर रहा है। ये मांग कर रहा है कि इसकी जानों को सुरक्षित किया जाए, इसको कश्मीर के अंदर तहफूज किया जाए, इसके अंदर एक सहानुभूति के साथ पेश किया जाए। लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन एक संवेदनशीलता और सहानुभूति बरतने के बावजूद उसके बदले क्या कर रही है, वो अप्रेशु और सप्रेशु ऑर्डर दे रही है। आए दिन अप्रेशु और सप्रेशु ऑर्डर, जिससे कहीं ना कहीं ये सप्लाई नीड को फिर से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और उन्हीं हालातों में धकेलना चाहते हैं जिन हालातों में 32 साल पहले गुजर के आए थे। आज भी कश्मीरी पंडित हिंदू, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो हिंदू के नाम पे उसको घाटी का टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बाहर से मेरे बिहार या UP से कोई मजदूर हो या और कोई नौकरी करने के लिए कश्मीर में आया हो। बिल्कुल आपको बता दें कि किस तरह से ये प्रदर्शन जो है इस समय हाल माइग्रेंट कश्मीरी डिस्प्ले जो है नंगे पांव सरकार को ये मैसेज देने का प्रयास है कि क्या इनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा, और ये एक मैसेज देने का प्रयास है। एक तरह वादे किए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां ही आज नंगे पांव सड़क पर है, प्रदर्शन पर है,